बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का 15 साल का शासन सोमवार को खत्म हो गया। हालात इतने खराब हुए कि शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। वो भारत आईं और उनका विमान गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उतरा। यहां एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की, लेकिन सवाल ये उठता है कि शेख हसीना ने आखिरकार तख्ता पलट के बाद भारत आना ही क्यों चुना। असल में शेख हसीना के लिए फिलहाल भारत से ज्यादा सेफ जगह कोई और नहीं। भारत की पनाह में शेख हसीना बिल्कुल सेफ रहेंगी। शेख हसीना के भारत की मोदी सरकार से काफी बेहतर संबंध है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान भी शेख हसीना के भारत से संबंध अच्छे रहे। बाकी पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले बांग्लादेश के संबंध भारत से ज्यादा बेहतर है। पिछले कई सालों से भारत शेख हसीना का समर्थक भी रहा है। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगता है। इनमें से कई सारे राज्यों में उग्रवाद एक काफी बड़ी चिंता का विषय है। ढाका के साथ दोस्ताना व्यवहार इन मुद्दों को हल करने में काफी हद तक मददगार रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश में भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों पर नकेल भी कसी है। इसकी वजह से दिल्ली में उनकी काफी धाक रही। हसीना ने भारत को ट्रांजिट अधिकार भी दिए, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में माल को लाना ले जाना आसान हो गया। शेख हसीना ने 1996 के बाद से भारत के साथ संबंध काफी अच्छे बनाए रखे। 2022 में भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाया कि कैसे भारत ने अपनी सरकार, लोगों, सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेश का समर्थन किया। हालांकि विपक्षी दलों ने उनके भारत के साथ अच्छे संबंधों की समय समय पर आलोचना की। उनका कहना था कि भारत को बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करना चाहिए, किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो शेख हसीना भारत में हैं, लेकिन वो राजनीतिक शरण किस देश में लेंगी, ये देखने वाली बात होगी।